नमस्कार, अवंतिका स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अभी जो मैं एक कविता सुना रही हूँ वो एक ख्वाब है जो शायद पूरा नहीं होता है, लेकिन वो ख्वाब तो ख्वाब है। जब आप ख्वाब देखते हैं तो आप उसे ये थोड़े ही सोचते हैं कि वो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन सुनिए और गुनिए। तो लीजिए, आपके सामने ख्वाब है। तहरीरों की बात सीने में दबी है, जिंदा है ख्वाब मगर जिंदगी नहीं है। दिल के मैखाने को कागज पर उतारूं कैसे, आंखों की रोशनी चिलमन में जो फंसी है। मैं कशी कोशों में लिपटे थे मेरे तन मन, घटते हुए चांद की रोशनी को देखा नगा। क्या करूं, सूरज के इंतजार पर भी पहरे बादल के पड़े हैं। नर्म घासों पर तलवों में सुसुराहट हो जैसे, वैसे ही कोई राग आंसुओं के बने हैं। बात कर लो ना, दो बात पर क्या पाबंदी लगे है। तेरे कुछ ख्वाब मेरे दिल में बसे हैं, बेबस धड़कता हुआ ये दिल, कहीं छुपता हुआ सा दिखता हुआ ये दिल। दूरियों को नज़दीकियों में बदलूं कैसे, अफसाना इतने हैं कि अफवाहों की चादर बने हैं। रात को जाग कर जो नगमे लिखती हूँ मालिक, जाने कैसे वो रहते हैं। सुबह उठती हूँ तो उन नगमों पर भी कई नश्तर चुभे होते हैं। तेरे कुछ ख्वाब मेरे दिल में बसे होते हैं, बात कर लो ना, दो बात पर क्या पाबंदी लगे होते हैं। सही बात है, आप किसी से बात करने के लिए बहुत परेशान रहते हो, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता, वो बात नहीं करते और वो आपको इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं जैसे आप उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो। लेकिन क्या हम लोगों को उन लोगों को उतनी ही तहरीर देनी चाहिए, उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, उतनी ही मान प्रतिष्ठा देनी चाहिए जितना कि वो हमें देते हैं? नहीं, अगर वो हमसे बात नहीं करते हैं तो हमें भी उन्हें भूल जाना चाहिए। अवंतिका स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।